आज हम बनाएंगे राजस्थान की बहुत ही फेमस गट्टा करी। ये गट्टा करी हम बिना लहसुन, बिना प्याज और बिना टमाटर के बनाने वाले हैं। पर यही चीजें सब्जी में ना पड़े तो हमें कुछ बेसिक मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे सब्जी का स्वाद भी बढ़े और सबको पसंद भी आए। चलिए बनाते हैं राजस्थान की फेमस गट्टा करी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लीजिए। इसमें हमने एक कप बेसन लिया है। इतने बेसन से छोटी फैमिली के लिए आप सब्जी तैयार कर सकते हैं। अपने स्वादानुसार नमक ऐड कर सकते हैं। एक चौथाई चम्मच हींग का जरूर ऐड करें, इसे गट्टों में ना बढ़िया टेस्ट आता है। अब आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और धनिया पाउडर भी उतना ही ऐड करेंगे। कलर के लिए उतना ही हल्दी पाउडर, यानी कि आधा आधा चम्मच हम तीनों चीज डालेंगे। थोड़ा सा खाना सोडा ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून क्यूमन सीड्स ऐड कर देंगे, या तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब 2 चम्मच ऑयल डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि बेसन में पानी की क्वांटिटी कम लगती है। आप 1 या 2 टेबल स्पून डाल करके मिक्स करके देखिए, फिर जरूरत है तो 1-2 टेबल स्पून और ऐड करिए। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाइए और इसकी थोड़ी सी मसाज कर दीजिए, यानी कि ठुकाई पिटाई कर दीजिए रफले तरीके से। इस तरीके का डो तैयार करना है गट्टा बनाने के लिए। इससे जालियां भी आती हैं और गट्टे सॉफ्ट भी बनते हैं। इसे फैला करके कुछ इस तरीके से बना लेंगे, नाइफ से 2 पार्ट कर लेंगे, फैला करके थोड़ा और पतला करेंगे। अब इस तरीके से परफेक्ट साइज में हम तैयार कर लेंगे। गट्टों को पकाने के लिए हमने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। इसमें पानी ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम को हाई करके पानी को उबालना है। उबलते हुए पानी में इन्हें ऐड करना है। ठंडे पानी में ऐड करेंगे तो ये घुल जाते हैं। गट्टे तैयार हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। जो पानी है ना उसे फेंकेंगे नहीं, उसका इस्तेमाल हम ग्रेवी में करेंगे। इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, थोड़ा सा ठंडा होंगे, इसके बाद ही इनमें कट लगा करके तैयार करेंगे। तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी में बढ़िया टेस्ट आए और थिकनेस भी रहे तो हलवाई लोग जो पीनट्स और तिल का इस्तेमाल करते हैं, वही मसाले का हमने भी इस्तेमाल किया है। तो 1.5 चम्मच के जितना सफेद तिल और थोड़ी सी पीनट्स 2 घंटे पहले फुला कर रख दिया था। आपको ब्रेड ना सरसों और ना बहुत सारे मसाले चाहिए, बस ये 2 मसाले ही आपके बहुत काम के हैं, जो आपकी ग्रेवी की थिकनेस को बनाएंगे। कोरिएंडर सीड्स 1.5 टेबल स्पून लिया है और 1 टेबल स्पून क्यूमन सीड्स लिया है। 1 टुकड़ा अदरक का। इसमें आप हरी मिर्च या लाल मिर्च आपके पास है तो उन्हें भी ग्राइंड कर सकते हैं। मेरे पास दालचीनी पाउडर है तो थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करूंगी। आपके पास पाउडर नहीं है तो 1 टुकड़ा दालचीनी का मसालों के साथ ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा मसालों का बेस तैयार हो गया। आप इतने ही मसालों से सब्जी को बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। चलिए छोटे छोटे गट्टों के पीस बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब ये जो गट्टे आप देख रहे हैं इतने ज्यादा सॉफ्ट हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। आप इनमें जालियां देख सकते हैं। परफेक्ट गट्टे बनकर तैयार हुए हैं। आप इन्हें 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फ्राई करके भी आप ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिना फ्राई के भी, दोनों तरीके से जो आपको पसंद हो। इन्हें हम फ्राई करने वाले हैं तो पैन में थोड़ा ऑयल डालेंगे, गट्टों को ऐड करते हुए सेकेंगे। इतने बढ़िया तरीके से हमने इन्हें पलटा दिए, दूसरे साइड भी बढ़िया तरीके से सेक लेंगे। इन गट्टों को बनाकर आप 8 से 10 दिन रख सकते हैं। सुबह बहुत जल्दी रहती है तो आप इन्हें 1 दिन पहले बनाकर रख सकते हैं, दूसरे दिन ग्रेवी बना करके ऐड कर सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स में भी एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से सभी गट्टे सेक कर तैयार कर लेंगे। वाओ, अमेजिंग। अब पैन में हम ऑयल डाल करके फिर से गर्म करेंगे। इसमें 2-3 लौंग ऐड किया है। मैं अपने घर में बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनाती हूँ तो इसमें लौंग का जरूर ऐड करती हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और आपको ज्यादा मसाले इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहती, तो आप जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा। अब इसमें 1/2 चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 हरी इलायची तोड़कर ऐड किया है बेसिक टेस्ट के लिए। 1/4 चम्मच क्यूमन सीड्स ऐड करेंगे, क्योंकि हमने मसालों के साथ इन्हें ग्राइंड भी किया है। अब 1 तेजपान के 2-3 टुकड़े ऐड कर देंगे और जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा था उसे ऐड कर देंगे। मिक्स कर दीजिए, कुछ और भी मसाले ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए ताकि साथ में पकते रहेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच ही धनिया पाउडर और ये 1 चम्मच के जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भरकर रोस्टेड क्यूमन पाउडर ऐड कर देंगे
और मसालों की ना अच्छे से भुनाई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रहने देंगे, मसाले अच्छे से पक जाएंगे। कुछ बेसिक मसाले ही सब्जी के स्वाद को बढ़ाते हैं, इसलिए हलवाई इन्हीं मसालों का इस्तेमाल करते हैं। हमने थोड़ी सी दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल किया है। मसाले हमारे पक चुके हैं, अब हम दही ऐड करेंगे। तो एक कटोरी मैंने दही ऐड किया है, ये ज़्यादा खट्टा नहीं है इसलिए एक कटोरी ऐड किया है। खट्टा ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये ग्रेवी पककर के ना तैयार हो चुकी है। इसमें जो हमने गट्टे उबाले थे ना, वो वाला पानी बचा था तो उसे ऐड कर देंगे। अब इसे भी मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर पका लेते हैं, 2 से 3 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने एक कटोरी यहाँ पानी ऐड कर दिया है। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अब गरम मसाला ऐड कर देंगे और अपने स्वाद अनुसार ग्रेवी में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। गट्टे में भी नमक है तो हम कम ही ऐड करेंगे। अब चम्मच से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल परफेक्ट है ना ग्रेवी, आप देख सकते हैं। गैस की फ्लेम हमने हाई कर दिया है ताकि जल्दी से उबाल आ जाए, और साथ ही हम गट्टे भी ऐड कर देंगे तो गट्टे भी ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाएंगे। इस तरीके से हमारी ये सब्जी बनकर के तैयार हो चुकी है। कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे, ये देखिए है ना परफेक्ट। इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आपको बिना प्याज लहसुन वाली सब्जी इस तरीके से जरूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मेरी बनाई हुई रेसिपीज आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक का बटन दबा करके इंडियन किचन क्वीन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।